नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों बनेंगे मोदी अगले प्रधानमंत्री। 6 रोचक तथ्य। पहला, फिजिकली ट्रांसपेरेंट। दोस्तों, नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का पूरा खुलासा मीडिया और जनता को दे रखा है। आज की डेट में इनके पास कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ये किसी भी प्रकार से देश को कोई भी हानि पहुंचाएं और अपने किसी भी निजी स्वार्थ के कारण देश को लूटें। और इवन तक आप जान सकते हैं कि मोदी ने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी का खुलासा RTI तक को दे रखा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जाकर कभी भी नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा ले सकता है। नंबर 2, ऑनेस्ट। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ये उतना करते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज तक जितने वादे किए हैं वह सारे के सारे निभाए हैं। इन 3 साल के पूरे जो पूरा समय इसमें हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा है उसके तहत हमने पाया कि नरेंद्र मोदी ने एक भी वादा अभी तक नहीं तोड़ा है। जितनी बात कही है उतनी करी है। और डीमोनेटाइजेशन जो है उसका एक उदाहरण है, उससे प्रूव होता है कि मोदी एक बहुत ही बहुत और बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, जो कि किसी की प्रेशर में आकर किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते हैं, वह देश के हित के लिए ही केवल सोचते हैं। नंबर 3, एग्रेसिव, आक्रामक। दोस्तों, नरेंद्र मोदी नेशनली आप कह सकते हैं और इंटरनेशनली भी आप कह सकते हैं किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसके अंदर आज आप देखेंगे इनके 3 साल के करियर में इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा एग्जाम्पल था, जब जहाँ ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान को इन्होंने एक करारा जवाब भी दिया है। इसके अलावा कश्मीर का मुद्दा जो जिस तरह की से इन्होंने हैंडल किया है, पश्चिम बंगाल का जो सरहदी मुद्दा इन्होंने हैंडल किया है, ये दिखाता है कि मोदी कितने आक्रामक हैं और अपने देश की सीमा को लेकर कितने चिंतित हैं और किस प्रकार से अपने देश के सीमा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका जो एग्रेशन है कितना पॉजिटिव है, इनका आक्रामक होना कितना देश के लिए फ़ायदेमंद है, ये हम देख सकते हैं। 4, नेपोटिज्म या और अगेंस्ट नेपोटिज्म। मोदी अगेंस्ट नेपोटिज्म या की पॉलिसी पे चलते हैं, यानी कि किसी भी रिश्तेदार को कोई सपोर्ट नहीं। आज की डेट में आप विश्वास नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी की माता जी हैं, वह भी लाइन में लग के अपनी पेंशन निकलवाते हैं, इनके भाई भी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और इन्होंने किसी भी अपने रिश्तेदार को आज तक कभी सपोर्ट नहीं किया अपने 10 साल के CM के करियर में और 3 साल के PM के करियर में। और इस नेपोटिज़्म को पूरी तरह से मोदी ने ख़त्म कर दिया है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हर नेता इस तरह से करता है कि नेपोटिज़्म के तहत वह अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करता है और उनको ऊपर लाता है, पर मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एंड ही इज़ टोटली अगेंस्ट नेपोटिज़्म, यानी कि भाई भतीजावाद के बिल्कुल खिलाफ हैं ये मोदी, और इससे हमारे देश का इन्होंने बहुत सम्मान बढ़ाया है। ट्रू पैट्रियोटिक। दोस्तों, मोदी सही मायने में देशभक्त हैं, इन्होंने RSS में रहते हुए भी ये चीज़ प्रूव करी है। और इसके अलावा देश के अंदर 10 साल चीफ मिनिस्टर का पद को संभालना, गुजरात को इतना आगे लेके आना और इसके अलावा आप देश की सेवा में खुद को न्योछावर कर देना। आज की डेट में मोदी के ऊपर जानलेवा हमले भी हो सकते हैं, फिर भी इन्होंने लास्ट 10 साल के अपने CM के करियर में और 3 साल के PM के करियर में अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्कुल भी कुछ ना सोचते हुए सभी फैसले लिए हैं और एक सच्चे देशभक्त की तरह अपने आप को देश पर न्योछावर कर दिया है। कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं सोचा है और अपने आप को पूरी तरह से देश को समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, ये बनाता है मोदी को सच्चा देशभक्त। लीडर विथ ट्रू विजन। नंबर 6, दोस्तों ये 6 रोचक तथ्य है। मोदी जो है फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में सोचते हैं और मोदी का जो विजन है वो टेक्नोलॉजी को लेके और देश के नौजवानों और युवाओं को लेकर बिल्कुल क्लियर है। मोदी चाहते हैं कि हमारा जो युवा है वो यहीं पर हमारे भारतवर्ष में रुककर ही काम करे और भारतवर्ष को ही अपनी सेवाएं दे और भारतवर्ष के जो डेवलपमेंट की तरफ जो भी चीज़ें बेस्ट वे में हो सके उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करे। और
यही विजन है। इसी कारण जो है मोदी फ्यूचर का विजन रखते हुए एक ऐसे नेता हैं जो कि फ्यूचर आज के आज से 20 साल बाद 25 साल बाद सोच रहे हैं, और जो अब नींव मोदी रख रहे हैं वो एक फ्यूचर विजन के साथ रख रहे हैं। तो दोस्तों ये थे 6 रोचक तथ्य मोदी के बारे में जो कि मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनाते हैं। हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।